गीत चतुर्वेदी इस वेले हिंदी दे सब तो हरमन प्यारे ते वध पढ़े जाण वाले लेखकां चों इक है। वो कवि है, कहानीकार है, वार्तक लेखक भी ते टिप्पणीकार भी। वो किसे सिनफ विच लिखे काविकता उहदी लिखण शैली दा खास हिस्सा बनी रहिंदी है। प्रेम उसका मनपसंद विशा है जिस चों कहानियां भी बनिया, निबंध भी होए ते बिना शक कवितावां भी निकलियां। इसे साल आई उसकी वार्तक पुस्तक अधूरी चीज़ों का देवता विचों उसकी डायरी दियां कुछ कतरना पढ़ते हाँ, जिन्हां विच गीत ने प्रेम बारे बहुत गहरियां ते अनोखियां गल्लां कीतियां ने। जिस दी गैर हाजरी च भी तुसी उस नाल गल्लां करदे रहिंदे हो, उस दे नाल तुहाडा प्रेम होना तय है। भावें उह 100 साल पहलां मर ही क्यों ना चुकिया होवे, ये तुहाडे दिल दी नहीं दुनिया दी बनावट दी सीमा है कि तुसी उहनूं कदे मिल ना पाओ। प्रेम होर शै है, प्रेम दे इजहार बिल्कुल होर शै। ये जरूरी नहीं कि तुहाडे हिस्से दोवें आ जाण। समुंदर एक ऐसा प्रेमी है जो सब तो ज्यादा खिमा नाल भरिया होया है। वो हर हाल अपने तो दूर जाण वालियां लहरां नूं खिमा करदा है ते मुड़ अपने विच शामिल कर लैंदा है। जान देना भी प्रेम है, मुड़ आए नूं शामिल करना भी प्रेम है। किन्नी ही वार प्रेम अजनबियां वांगू साढ़े बहुत नेड़ियों लंघदा है, कदे कदे हल्का जिहा मोढ़ा भी वजदा है, पर असीं किन्नी वार माफ करना कह के जां बिना कुछ आखे अगां तुर जांदे हां। असीं प्रेम नूं खोजदे ज़्यादा हाँ, पछाणदे घट हाँ। पानी सुक जांदा है पर फर्श ते ठंडक बनी रहिंदी है। सूरज डुब जांदा है पर हनेरी हवा च हरारत कायम रहिंदी है। तूं चली जानी है पर मेरे अंदर तेरे नाल गलबात चलती रहिंदी है। जो बनिया रहिंदा है, बचिया रहिंदा है, वो की हुंदा है? सोग जां उत्सव? फर्श ते बची ठंडक पानी दा सोग है कि जशन? मरन कहे बिना स्मरण का उचारण पूरा नहीं हुंदा। असीं सिर्फ उन्हां पलां नूं याद कर सकते हाँ जो मर चुके हन। अपनी मां की मौत ते सोग मनाउंदियां रोलां बार्थ ने लिखिया सी, मैं तेरे वर्गा नहीं सां क्योंकि मैं तेरे नाल नहीं मरिया। बहुत पुराने वेलियां च जदों कोई बोधी पिखू बोध प्राप्त कर लेंदा सी तां छुरा मार के अपनी जान लै लेंदा सी। साधना कर करके मुक्त हो गए, हुण ज्यों के की करना?
ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਖੂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ? ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ।